नमस्कार भाइयों, आज हम आए हैं गौशाला श्री अखिलानंद ग्रामीण गौशाला दलोदा। गोली में इंजेक्शन लगा रहा हूँ इसके, एलोक्सिकेम पैरासीटामोल, और ये बोरिक एसिड जो पाउडर, जिससे अपन इसकी साफ सफाई करेंगे, कहीं भी बैक्टीरिया विक्टेरिया नहीं रहे। और ये मेरे साथी करूलाल जी हेल्प कर रहे हैं इसमें, और इसकी साफ सफाई कर रहा हूँ मैं। ये बोरिक एसिड पाउडर जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अच्छी तरह से लगाएंगे अपन इसके आगे पीछे पूरी तरफ से, कहीं पे भी कोई भी हिस्सा इसका छूटना नहीं चाहिए। देखिए, जैसे कि अपन ने अच्छी तरह से ये बोरिक एसिड पाउडर लगा दिया है, अब इसके बाद अपन हल्का हल्का केवल बैंडेज लगाएंगे इसके ऊपर। पूरी तरह से अच्छे से टाइट पकड़ के रखना है पाँव को, और बैंडेज लगाना है। और ये बैंडेज लगा रहे हैं अच्छी तरह से टाइट करके। बैंडेज लगाने के बाद अपने को कॉटन लगाना है। थोड़ा सा वीडियो में मिस्टेक हो गई है, ये अपन ने बैंडेज लगा दिया अच्छे से टाइट पकड़ के। ये बैंडेज लगाने के बाद अपन इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाएंगे, जिसको कि मतलब है ना, पानी में गीला करके, फिर उसके बाद ये गीला करके अब इसके ऊपर हम अच्छी तरह से टाइट पकड़ाएंगे पाँव नीचे से, और लपेटे जा रहे हैं। देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ अपने को लपेटना है, और पाँव को अच्छे से मजबूती के साथ टाइट पकड़ के रखना है। ये हमारे साथी करूला जी, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और गौशाला के मैनेजर दशरथ जी और वहाँ के एक और वर्कर काफ़ी मजबूती से पाँव को पकड़ के रख रखा है। और ऐसे अपन इसको ऊपर से नीचे की ओर इसको प्लास्टर को लपेटते जाएंगे, और मजबूती का अच्छे से ध्यान रखना है। और ये प्लास्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, अब इसको अपन एक जैसा कर लेंगे हाथों से, और इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखेंगे। और लगभग गर्मी के टाइम पे अपने को 15 से 20 मिनट इसको एकदम पकड़ के रखना है धूप में, और अगर ठंड का मौसम हो तो उसमें अपने को इसको ज़्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा, लगभग आधे घंटे।